गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपका पॉलीनोमियल क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे देखते हैं, उसके फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके कोफिशिएंट हम कैसे देखते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो है आगे देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके कैसे होते हैं। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके जो है, ठीक है, कैसे एक्सप्रेशन हम देखते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक इसमें टर्म आ रही है, सबसे पहले एक आ रहा है लाइक एंड अनलाइक, इसको समझ लेते हैं पहले, लाइक एंड अनलाइक टर्म। ठीक है, अब लाइक और अनलाइक टर्म्स जो होती है बेटा वो क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। अगर आपके पास में कॉमन कोई भी चीज के अंदर कोई भी अगर फैक्टर आपके कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, दो टर्म एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपके कोफिशिएंट आपके जो है सॉरी फैक्टर जो है अगर आपके कॉमन आ रहे हैं, जैसे आपने एक्सप्रेशन लिया 7x दूसरा आपने लिया 14x, तो 7x को आप क्या लिख सकते हैं, 7 × x लिख सकते हैं। 14x को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7 × 2 × x लिख सकते हैं। अब इसमें से कॉमन टर्म देखी जाए तो ये हमारा कॉमन आ रहा है इसके फैक्टर्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो लाइक टर्म्स का मतलब हो गया कि हमारे पास में उसमें फैक्टर जो है वो उसमें कॉमन रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आ रही है बेटा इसके अंदर हमारे पास में, ठीक है, जैसे अगला बोला जाए कि आपके पास में एक टर्म दी हुई है आपकी 7xy और -5yx। ठीक है, तो क्या ये आपकी लाइक फ्रैक्शन में आए, लाइक उसमें टर्म्स में आएंगी या अनलाइक टर्म्स में आएंगी। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है वो हमारी अनलाइक के अंदर आएगी, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आपका क्या होगा, 7xy बोला है और इसके अंदर साइन भी आपका क्या है बेटा, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास अगला आ रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला हम आज सीखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है एडिशन कैसे होता है। अब जैसे आपको बोला जाए कि आपको ऐड करना है 7x + 3y आपको ऐड करना है। अब देखो जब एडिशन इस वाले में आपका कब होगा, जब आपके वेरिएबल्स जो है सेम हो तभी हम एडिशन कर सकते हैं। जैसे आपका 7x + अगर आपका 2x गिवन हो, वेरिएबल दोनों में देखेंगे वेरिएबल सेम आ रहा है, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर लिखा मैंने 7x नीचे लिख दिया बच्चों 2x। ठीक है, अब ये x और x एज इट इज लिख देना है और 7 + 2 आपका कितना हो जाएगा 9x। ठीक है, तो जब भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम एडिशन करेंगे तो आपके सेम वेरिएबल की जो टर्म है, ठीक है, वो हमारा ऐड हो जाएगी। अब जैसे एक और एक्सप्रेशन आपने लिया एग्जांपल 3x² + 7x + 1, ठीक है, ये मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलीनोमियल है। दूसरा मेरा है एक्सप्रेशन 4x² + 2x + 9। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो अब देखो बेटा हमारे पास में ये वाला टर्म ऐड हो गया है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो आपका 7 + 2 आपका कितना हो गया 9x हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो x² + 4 हो गया 7x। ठीक है, तो बस नंबर के साथ ऐड करके ऐड करके और एडिशन करेंगे तो इस वाले में x आ जाएगा और नंबर हमारा हो जाएगा 9 और 1 + 9 हो जाएगा आपका 10। ये हो गया हमारा एडिशन। अब इसी तरीके से अगर आपको नेगेटिव साइन के साथ में ऐड करना हो तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये तो मैंने साइन आप ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, 1 में से आपका एडिशन होगा तो आपका क्या होगा, 1 में से 9 इस बार आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 9 में से आपका क्या हमारा क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब ये नंबर आपके क्या है ऐड हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो 7 - 2 मतलब 5x। ठीक है, अब ये हो गया -4x² + 3x। ठीक है, एक दो नंबर हम वापस इसमें ऐड कर रहे हैं, आपका एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के साइन पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और इसमें रिजल्ट क्या आ जाएगा -6। सो दिस इज द टर्म ऑफ योर एडिशन। ठीक है, एडिशन की टर्म हमारी ये आएगी। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट जो है बेटा इसके अंदर जैसे पहली एक्सरसाइज, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 में एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें आपको क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, टर्म बतानी है कितनी है, कोफिशियंट बताने हैं। ठीक है, और हर एक टर्म के कोफिशियंट हमें लिखने हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एक्सरसाइज
कोफिशिएंट। अब इसके बाद इसी तरीके से आपका जो है फोर्थ वाला भी हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो फोर्थ वाले के अंदर आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है वो हमारी है फोर टर्म्स जो है वो हमारी उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। आप उसके बाद देखिए बेटा आपका जो है सेकंड वाला जो पार्ट था इसी का, उस सेकंड वाले पार्ट के अंदर आपके कितनी नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है बेटा। सेकंड वाले पार्ट के अंदर आपकी जो टर्म प्रेजेंट है वो है हमारी तीन टर्म प्रेजेंट है, ठीक है। और कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, वन का कोफिशिएंट हम वन ही लिखेंगे बेटा, एक्स का कोफिशिएंट वन हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का भी वन हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, इसका फाइव पार्ट है, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। तो फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में आपकी कितनी टर्म प्रेजेंट है, तीन टर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिफ्थ वाले में आपके नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हमारे पास तीन। एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है बेटा एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, टर्म कितनी प्रेजेंट है इसमें, तीन टर्म प्रेजेंट है। कौन कौन सी टर्म है, एक्स अपॉन टू वाई अपॉन टू, उनको लिख भी दीजिए, और तीसरी है आपका माइनस एक्स, ठीक है। तीन टर्म हमारे प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। साइन भी आपको इसमें बताना है, अगर आपको पूछा जाए नंबर ऑफ टर्म्स तो आपका सीधा काउंट लिखना, अगर उस टर्म को निकालना है तो आप उस टर्म के माइनस प्लस साइन के साथ लेके चलेंगे। जैसे इसमें तीन टर्म मैंने आपको बताया कि पहली टर्म मेरी हो गई फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगली टर्म क्या होगी बेटा माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और उसके बाद वाली टर्म क्या होगी बेटा जेड स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें फाइव एक्स वाई जेड स्क्वायर और एक टर्म ये हुई, और दूसरी टर्म क्या होगी माइनस थ्री जेड वाई। इस तरीके से दो टर्म इसमें आ जाएगी। अब इनके कोफिशिएंट कितने हैं, कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे आपके वन बाई टू एंड माइनस। तो इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका हम देखते हैं सिक्स पार्ट क्वेश्चन नंबर पांचवा, सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में देखिए आपका क्वेश्चन है ये, आप इसमें कितनी टर्म प्रेजेंट है बेटा, एक दो तीन नंबर ऑफ टर्म्स तीन प्रेजेंट है। कौन कौन सी टर्म है, 0.38, दूसरी टर्म है माइनस 0.68, उसके बाद वाली टर्म है 0.53, तीन टर्म में प्रेजेंट है क्या, ठीक है। और इसके बाद में इनके कोफिशिएंट क्या क्या है, इस वाली टर्म का कोफिशिएंट है 0.3, इस वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या क्या माइनस 0.6, और इस वाली का क्या क्या 0.5 पॉजिटिव 0.5। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और उनको जो है कोफिशिएंट भी बतानी है, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपको बताना है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलीनोमियल। अब उसमें बताना है कौन सी मोनोमियल है जिसमें एक टर्म प्रेजेंट है, कौन सी हमारी बाइनोमियल है जिसमें दो टर्म प्रेजेंट है, कौन सी है हमारी ट्राइनोमियल की टर्म, ठीक है। तो जिसमें एक अवेलेबल है वो हो गया आपका मोनोमियल, जैसे आपका क्या हुआ है एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई में देखो आपका दो टर्म आ गई, उसको क्या बोलेंगे बेटा बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है 1000 है, 1000 आपका क्या है मोनोमियल, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने बोला है 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y की पावर 3, तो इसमें तीन टर्म प्रेजेंट है तो ये हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लासिफाई करना है, जैसे एक टर्म दे रखी है पी क्यू आर, ठीक है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर मेरा कैसा हो गया है मोनोमियल, ठीक है। एक टर्म है आपकी 2p प्लस 2q, ये टर्म मेरा क्या है क्या बाइनोमियल, ठीक है। ये टर्म मेरी क्या हो गई बाइनोमियल, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल बेटा 4z माइनस 15z स्क्वायर, ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा, इसमें दो टर्म प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है। जिसमें दो टर्म प्रेजेंट है वो बाइनोमियल, जिसमें एक टर्म प्रेजेंट है वो हो गया आपका मोनोमियल। अब एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 3x1, ये जो टर्म है इसमें आपकी तीन टर्म प्रेजेंट है बच्चों, और ये तीन टर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरी एक और है 2y माइनस 3y स्क्वायर, तो इस वाले में आपकी देखिए स्टूडेंट दो टर्म प्रेजेंट है तो ये किसका एग्जांपल हो गया बाइनोमियल। अब इसके अलावा एक और एक्सप्रेशन है आपके पास में x 4x, तो इसमें एक ही टर्म प्रेजेंट है तो ये किसका एग्जांपल हो गया है
साइन हो गया हम उसको कहेंगे. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. आज की क्लास में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. नेक्स्ट क्लास में हम 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट.